सब्सक्राइब माई चैनल ए क्रिएटिव किचन, लाइक एंड शेयर विद अदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिर्ज़ा आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज क्रिएटिव किचन में मदर की बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी और बच्चों के बहुत फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी मैं देने जा रही हूँ। अच्छा, चॉकलेट सॉरी रेसिपी ये जो है कुकीज़ की है, बिस्किट की नहीं है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जब आप जो बिस्किट होते हैं उनको जब आप बाइट करते हैं तो वो क्रिस्प होते हैं और थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे कुकीज़ होते हैं जब आप उसको चबाते हैं, बाइट करते हैं, तो वो ऊपर से थोड़ा क्रिस्प और अंदर से चुई होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनका। और यहाँ बहुत अच्छी मैं आपको चॉकलेट चिप रेसिपी दूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। मेल्टेड बटर लिया यहाँ पे 60 ग्राम, शुगर टोटल लिए 100 ग्राम, 50 ग्राम आपने लेनी है ब्राउन और 50 ग्राम आपने लेनी है वाइट शुगर। शुगर आप लाइट कलर में भी ले सकते हैं। इसको जस्ट आपने विस्क करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है इसको विस्क के साथ ही, कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे इस रेसिपी के हिसाब से हाफ एग या अगर इसको डबल करेंगे तो फुल एग आप यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस लिया है फ्यू ड्रॉप्स, 100 से 130 ग्राम फ्लावर आप ले सकते हैं इसमें। पहले 100 ग्राम ऐड करें और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा और ऐड करें। पिंच बेकिंग सोडा गया है, पिंच ही आपने साल्ट ऐड करना है। अब आपने इसको जस्ट मिक्स करना है। इस रेसिपी में आपने जो है वो मशीन को यूज़ नहीं करना, आप इसको उसके साथ स्पैचुला के साथ या फिर आप इसको जो है वो विस्क के साथ ही मिक्स करके डो बनाएं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्लावर को ज़्यादा ऐड किया है, थोड़ा सा और 20 ग्राम। कुकीज़ में सबसे खास जो चीज़ है वो चॉकलेट चंक है, वो ज़रूर ऐड करें। अगर नहीं है तो आप चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा जो है वो उसका टेक्सचर आता है और वो चुई सा जो एक टेस्ट आता है, सॉरी फ्लेवर आता है, और साथ में वो टेक्स्चर आता है वो उसी से आता है। फिर आपने बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके अंदर आपने बटर पेपर लगाना चाहें तो वो लगा दें। इनको सेट करके 25 ग्राम का एक बॉल बना के आपने इनको रख देना है और 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इन बॉल्स को बनाकर आपने फ्रीज़ कर लेना है, जब आपका दिल करे निकालें और इन्हें बेक कर लें। 150 जो है वो सेंटीग्रेड पे आपने 11 से 11, 12 या 15 मिनट, इतने से ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना। और ये देखें बेक होकर आ गए हैं, ये जब आप बेक होंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, अगर आप इनको ज़्यादा बेक करेंगे तो ये जो है वो हार्ड हो जाएंगे। और ये कुकीज़ जो हैं ये इस तरह हार्ड नहीं होते, तो आपने जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इसको ट्रे से निकालना है और जो है ये हमारे 1 घंटे के रेस्ट के बाद, और ये मैंने जो है वो पूरा ओवरनाइट जो है इसको रेस्ट दिया था और इनको बेक किया था, ये देखें। और इनको बनाकर आप जो है वो ज़रूर इनको ट्राई करें, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक दें और मज़े के ये चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है वो इंजॉय करें। तो और किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी दोबारा। अल्लाह हाफिज़।